नमस्कार, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया और मैं हूं आपके साथ इंदु राठौड़। आज हम छोटी काशी के एक ऐसे मंदिर के बाहर मौजूद हैं जो काफी ज्यादा प्रसिद्ध है तो काफी ज्यादा प्राचीन भी है, जिसका नाम है मोती डूंगरी गणेश मंदिर। ये मंदिर बहुत ज्यादा प्राचीन है, साथ ही बहुत ज्यादा प्रसिद्ध भी। यहाँ पर जो श्रद्धालु है वो भगवान गणेश के दर्शन के लिए हिंदुस्तान के अलग अलग राज्यों से आते हैं और आज गणेश महोत्सव है, गणेश चतुर्थी मनाई जा रही है पूरे हिंदुस्तान में। ऐसे में यहाँ की जो तस्वीर है बेहद ही खास है, यहाँ का हम आपको पूरा माहौल दिखाएंगे क्योंकि गणेश चतुर्थी है और इस बार 9 दिवसीय गणेश महोत्सव मनाया जा रहा है। ऐसे में मैं कैमरा पर्सन को बोलूंगी कि जरा यहाँ की तस्वीरें दिखाइए। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि श्रद्धालु यहाँ पर लाइन में है, यानी कि कतार बहुत ज्यादा लंबी है। ये गणेश मंदिर के बाहर का एरिया है लेकिन यहाँ से ही कतार जो है वो शुरू हो चुकी है और यहाँ पर बैरिकेड्स है और लाइंस बनी हुई है ताकि श्रद्धालु आने और जो जाने का डिवाइडेशन है वो रहे। इसी के साथ आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बैरिकेड्स लगे हुए हैं और ये जो रास्ता है ये वाला रास्ता है JLN मार्ग। तो देखिए आप, JLN मार्ग है यहाँ का जो रास्ता है, यहाँ पर सिर्फ श्रद्धालु आ सकते हैं। यहाँ पर जो गाड़ी है वो उनकी एंट्री पूरी तरह से बंद है। महोत्सव है, गणेश जी का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, ऐसे में यहाँ पर जो गाड़ियां हैं उनको आना जाना यहाँ पे बंद है। सिर्फ और सिर्फ श्रद्धालु जो कि पैदल आना चाहते हैं वो यहाँ पर इस रास्ते से आ सकते हैं। इसी के साथ मैं एक क्योंकि मुख्य द्वार है यानी कि गणेश मंदिर के बाहर हूँ, ऐसे में यहाँ की जो तस्वीरें वो सारी दिखाना चाहूंगी। यहाँ पर आप देखिए तख्ती शाही रोड, यहाँ पर भी सिर्फ पैदल यात्री यानी कि जो पैदल आ रहे हैं वो श्रद्धालु ही यहाँ पर आ सकते हैं। ये रास्ता भी बंद कर दिया गया है क्योंकि प्रशासन ने पहले से ही तैयारी कर ली थी गणेश महोत्सव को लेकर। 2 साल से गणेश महोत्सव नहीं हो रहा था, ऐसे में इस बार जो उल्लास है वो दुगना है और प्रशासन की जो तैयारियां है, सुरक्षा व्यवस्था है वो भी कह सकते हैं कि दुगना हो चुकी, दुगनी है क्योंकि व्यवस्था होना बेहद ही जरूरी है क्योंकि अलग अलग जहाँ जिलों से लोग आ रहे हैं तो अलग अलग राज्यों से भी आ रहे हैं। ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम यहाँ पर है, साथ ही यहाँ का जो ट्रैफिक है, इस तरह की जो तस्वीरें त्रिमूर्ति सर्किल जिसे कहते हैं वहाँ की तस्वीर मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर देखिए आप, त्रिमूर्ति सर्किल की जो है रास्ता उसको भी बंद कर दिया गया है और जिस तरह से आप यहाँ देख सकते हैं सिर्फ पैदल जो लोग हैं, जो पैदल श्रद्धालु वो यहाँ पर आ रहे हैं, गाड़ी वगैरह यहाँ पे आना मना है। साथ ही आप यहाँ पर देखिए अनाउंसमेंट हो रही है, अनाउंसमेंट यहाँ पर है, माइक्स यहाँ लगे हुए हैं, कैमरों से यहाँ पे मॉनिटरिंग की जा रही है। ये कुछ तस्वीरें हैं यहाँ पर मोती डूंगरी गणेश मंदिर की, क्योंकि मोती डूंगरी गणेश मंदिर में महोत्सव 2 साल बाद हो रहा है, तैयारियां भी 2 साल के हिसाब से बहुत ज्यादा की गई है। यहाँ पर प्रशासन अभी पुलिस का यहाँ पर मौजूद है, पुलिस जाब्ता भी यहाँ पर है, पानी की व्यवस्था यहाँ पर है, तमाम तैयारियां यहाँ पर की जा चुकी है गणेश महोत्सव को लेकर। जिस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर पुलिस यहाँ पर है और पानी का टैंकर भी साथ ही यहाँ पर लगे हुए हैं। तो देखिए क्या कुछ तस्वीरें कह रही है, एक बार मैं कैमरा पर्सन को बोलूंगी कि वो टैंकर दिखाए जहाँ पर पानी की व्यवस्था की जा चुकी है ताकि जो श्रद्धालु है, गर्मी बहुत ज्यादा है, सूरज की जो तपिश है वो यहाँ पर बहुत ज्यादा है, ऐसे में पानी बहुत जरूरी होता है गर्मी के अंदर, इसी को देखते हुए यहाँ पर पानी की व्यवस्था भी है और श्रद्धालुओं के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं एम्बुलेंस भी यहाँ पर है, एम्बुलेंस भी यहाँ पर है, अग्निशमन की गाड़ी भी यहाँ पर है क्योंकि कहा जाता है कि जिस तरह से बहुत ज्यादा संख्या में अगर कोई भी भीड़ इकट्ठा होती है वहां पर ये जरूरी होता है कि सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद हो, इसीलिए यहाँ पर एम्बुलेंस है। तो यहाँ पर अग्निशमन की गाड़ी भी है, पुलिस का जाब्ता है, हेड कांस्टेबल है, कांस्टेबल है और भी जो वॉलंटियर्स है यहाँ मौजूद है, पूरी जो जिम्मेदारी है यहाँ संभाले हुए, मोर्चा संभाले हुए और जो ट्रैफिक है उसको यहाँ पर डाइवर्ट कर दिया गया, तीनों रास्ते इस वक्त बंद है। साथ ही यहाँ पर जो पैदल श्रद्धालु वो ही यहाँ पर इन 3 रास्तों से आ सकते हैं। ऐसे में ये कुछ तस्वीरें थी जो हमने आज दिखाई, साथ ही यहाँ पर श्रद्धालु से बात करेंगे कहाँ से वो आए हैं और क्या कुछ कहना चाहेंगे। तो चलिए आइए यहाँ पे श्रद्धालुओं से बात करते हैं और उनसे जानते हैं वो कहाँ से आए हैं। मैम आप कहाँ से आई हैं? मैं कुंडा में से। ठीक है, बिल्कुल। तो आपने दर्शन किए? हाँ जी। तो देखिए भगवान गणेश के दर्शन कर चुकी है, जिसे पुरानी राजधानी कहा जाता है, आमेर से ही आई है। इसी के साथ हम इनसे भी बात करते हैं, आप कहाँ से आए हैं? हम सोडाला से आए जी। आपने दर्शन कर लिए भगवान गणेश के, क्या कहना चाहेंगे 2 साल से कोरोना काल के चलते?
चैत्र महोत्सव बहुत अच्छा मेला लगा है यहाँ पर, 2 साल से बहुत अच्छा लगा है, भीड़ भी जनता ही बहुत आ रही है। तो देखिए गणेश महोत्सव हम सभी के साथ साथ ऐसे लोगों के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है जो इस मेले का इंतजार करते हैं। तो सर आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि 2 साल से आप लोग मेला भी नहीं लगा पा रहे थे। नहीं सुनो, ये क्या है, इसमें जो लॉकडाउन में है ना, जो मोदी ने गरीबों को बहुत मारा है, क्यों गरीबी ने गरीबों ने मेलदारी करके खाई है, जो मंदिर थे ना सब बंद, जो मेले लगते थे जो मोदी ने बंद कर दिया था जी। तो देखा इनका जो दर्द है साफ इनकी आंखों में देखा जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से कोरोना काल था उस वक्त मेले नहीं लग रहे थे, ऐसे में इनकी जो रोजी रोटी है उस पर प्रभाव पड़ रहा था। साथ ही यहाँ पर हम और भी लोगों से बात करेंगे और जानेंगे वो कहाँ से आए हैं। एक बार आप यहाँ की जो तस्वीरें वो जरा देखिए, मेला यहाँ पर जो ये द्वार है यहाँ पर मेला लगा हुआ है। तो देखिए यहाँ मेला लगा हुआ है, पानी की व्यवस्था की जा चुकी है, तमाम तैयारियां हैं। एक बार आपको मेले का रुख करवाते हैं कि क्या कुछ मेले के अंदर है। तो आइए आपको सीधा लेकर चलती हूँ मेले के वहाँ पर जहाँ पर बच्चे पूरे मेले को एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि 2 साल से महोत्सव भी नहीं हो रहा था, ऐसे में यहाँ पर जो मेला है वो भी नहीं लग रहा था। और अभी हमने जिस तरह से यहाँ पे बात करी उन लोगों से जो मेले का हिस्सा रहते हैं, यानी कि जो मेले में अपना रोजी रोटी है वो कमाते हैं, उन लोगों से भी हमने बात करी, उनसे जाना कि उनकी जो रोजी रोटी है उस पर कितना क्या कुछ प्रभाव पड़ा है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि पानी पिलाना बहुत ही धर्म का काम होता है, हमारी संस्कृति में कहा जाता है ऐसा। तो ये जो तस्वीरें हैं वाकई में बहुत ही उम्दा तस्वीर और बहुत प्यारा नजारा है। यहाँ पर जो श्रद्धालु आ रहे हैं दूर दूर से, वहाँ पर उनके लिए यहाँ पर पानी की व्यवस्था देखो अच्छे से की जा चुकी है। हम साथ ही अब हम मेले की तस्वीर आपको दिखाते हैं कि मेले में किस तरह क्या जो झूला है वो लगा हुआ है। तो कैमरा पर्सन को जरा बोलूंगी कि एक बार मेले की जो तस्वीर है वो दिखाए। आपको सीधा लेकर चल रहे मेले की तस्वीर आपको दिखाना चाहेंगे कि मेले में कितनी भीड़ है, श्रद्धालु कहाँ कहाँ से आए हैं और बच्चे किस तरह से एक्साइटेड है क्योंकि 2 साल से मेला नहीं लग रहा है, ऐसे में आपको तस्वीर दिखाते हैं। पहले आपको यहाँ के इन लोगों से बात करते जो 2 साल से वो नहीं लगा पा रहे थे। सर आपसे जानना चाहेंगे कि 2 साल से महोत्सव नहीं हो रहा है, आप भी मेला नहीं लगा पा रहे, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे इस बात जी? जी बिल्कुल। तो देखिए यहाँ पर कुछ लोग हैं बोलने से कतरा रहे हैं, लेकिन हम और भी लोगों से यहाँ पर बात करेंगे। तो आइए इनसे जानते हैं कि 2 साल से मेला नहीं लग रहा है तो क्या कुछ ये कहना चाहेंगे। तो सर आप क्या बोलना चाहेंगे कि 2 साल से मेला नहीं लग रहा और इस बार मेला लगा है, क्या रोजी रोटी पर प्रभाव पड़ा था पिछले 2 साल से? पता नहीं है। ठीक है बिल्कुल। तो देखिए ये भी बोलने से कतरा रहे हैं, लेकिन पहले आपको मेले की कुछ तस्वीरें हैं वो दिखाते हैं। ये है वो गेट जिसके अंदर मेला लगा हुआ है, आप देख सकते हैं तमाम जो झूले हैं यहाँ पर है, बच्चों के कोलंबस यहाँ पर है, राउंडर झूला यहाँ पर है, तमाम जो झूले हैं यहाँ पर है, खाने पीने की व्यवस्था यहाँ पे है, बच्चों सहित यहाँ पे महिलाएं भी आ रही हैं, पुरुष भी यहाँ पर आ रहे हैं और जो महोत्सव है उसको वाकई में एंजॉय यहाँ पर किया जा रहा है। तो आइए इनसे जानते हैं, आप भी मेले में जाकर आइए, क्या कुछ कौन सी कोई झूला आपने खाया, क्या कहना चाहेंगी? अच्छा लग रहा है, कोरोना की वजह से बंद था इतने दिनों से, अब अच्छा लग रहा है आकर देखकर लॉकडाउन में झूला खा के आया। तो देखिए सभी श्रद्धालुओं को अगर हम कॉमन बात देखें तो सबका यही कहना है कि 2 साल से चूंकि कोरोना काल था तो महोत्सव नहीं हो रहा था, गणेश जो मंदिर है वो बंद था, ऐसे में जब गणेश मंदिर खुला तो इन श्रद्धालुओं में बहुत ज़्यादा उल्लास देखने को मिला। साथ ही यहाँ पर जिस तरह से मेला लगा है उसको भी जो श्रद्धालु पूरी तरह से इंजॉय कर रहे हैं। ये कुछ तस्वीरें हैं आज छोटी काशी की। ये तो सिर्फ हमने मोती डूंगरी की बात करी, लेकिन आज मैं आपको बताना चाहूँगी कि छोटी काशी आज गणेश महोत्सव के रंग में रंगी हुई है। गणेश महोत्सव को लेकर, गणेश चतुर्थी को लेकर छोटी काशी में बहुत ज़्यादा उल्लास है। और फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए देखते रहिए द फैक्ट इंडिया। नमस्कार।